बीजापुर में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। 100 कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बताते चले, शनिवार को भोपाल पट्टनम के ग्राम संड्रापल्ली के 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। कांग्रेस में शामिल होने पर बीजापुर विधायक ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया। बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किया है। संड्रापल्ली गांव के नव प्रवेशित कार्यकर्ताओं को बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुंडियाम, जिला पंचायत सदस्य सरिता चापा, नगर पंचायत भोपाल पट्टनम की अध्यक्ष सुश्री रिंकी कोरम ने पुष्पहार और कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत करते हुए पार्टी में प्रवेश कराया है। बता दें, इस दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि संड्रापल्ली के 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाले दिनों में लोग कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि यह बदलते बीजापुर की तस्वीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन कल्याणकारी नीतियों के अलावा किसानों के जेब में धान का पैसा और तेंदुपत्ता का पैसा डालने का काम किया है। प्रदेश में सामाजिक समरसता का अभाव है। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी लगातार जनसेवा में लगे हैं। ये उसी का नतीजा है कि आज संड्रापल्ली गांव के 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। आप क्या सोचते हैं 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने पर? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।